सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज के करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 6 मई टू 10 मई 2022 में आखिरकार करंट अफेयर्स में क्या टॉपिक्स हुए थे। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, इसका पहला पॉइंट आपको ये पता रहना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देना। कौन से देशों की परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, ये तीन कंट्रीज इसके अंतर्गत शामिल की गई है। कौन सा रिलीजन्स इसमें शामिल है? तो हिंदुइज्म, देन योर जैन, देन सिख, देन क्रिश्चियनिटी, देन बुद्धिज्म एज वेल एज पारसी। ये 6 रिलीजन्स इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। कट ऑफ डेट क्या है? कट ऑफ डेट इज योर 31 दिसंबर 2014। तो कट ऑफ डेट आपको जरूर याद रहनी चाहिए। एक और प्रोविजन आपको याद रहना चाहिए कि अगर ओसीआई है, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसे इसके अंतर्गत नागरिकता दी गई है, तो किसी भी ग्राउंड्स पर उसकी नागरिकता को रद्द किया जा सकता है। साथ ही ये भी पता रहना चाहिए कि जो ये कानून है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जो ट्राइबल एरियाज है उसमें अप्लाई नहीं होता है। और ये भी प्रोविजन आपको पता होना चाहिए कि जो इनर लाइन परमिट एरियाज है उन स्टेट्स में भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू नहीं किया जाएगा। तो ये थे आपके इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट इज योर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। आपको यह पता रहना चाहिए कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो किस संस्था के द्वारा लागू किया गया है। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लागू किया गया है, और साथ ही साथ ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1961। इट इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कुछ अदर एजेंसीज भी हैं जो हंगर के क्षेत्र में कार्य कर रही है, आपको पता रहना चाहिए। लाइक फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO। तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डोमेन के अंतर्गत काम कर रही है। और दूसरी है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो जितने भी पुअर कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पर ये फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। तो IFAD और FAO के बारे में UPSC ने अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पहले ही पूछ लिया है। आपको पता रहना चाहिए व्हाट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नेक्स्ट इज योर हेल्थ स्टार रैंकिंग, किसके द्वारा लेकर आया गया है? FSSAI। ठीक है, तो आपको ये पता रहना चाहिए किसके द्वारा लागू किया गया है, कितने स्टार रेटिंग हो सकती है, हाफ टू 5 स्टार रेटिंग, किसके लिए दी जाएगी ये स्टार रेटिंग। तो जितने भी आपके प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो पैकेज्ड फूड आइटम्स हैं उनके लिए दी जाएगी हेल्थ स्टार रैंकिंग, लेकिन किसके लिए नहीं दी जाएगी? तो जितने आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, और साथ ही साथ जो मिल्क आइटम्स हैं उसके लिए एक्सेप्शन दिया गया, उसमें कोई भी हेल्थ स्टार रैंकिंग नहीं दी जाएगी। उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या हेल्थ स्टार रैंकिंग को लेकर आने का? यही ऑब्जेक्टिव है कि जो कंज्यूमर है वो ऐसे प्रोडक्ट को कंज्यूम करे जो कि बेटर स्टार रैंकिंग वाले हों, ताकि उनके हेल्थ पर कोई एडवर्सरी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो आपको ये पता रहना चाहिए हेल्थ स्टार रैंकिंग क्या चीज है। नेक्स्ट इज योर हैफलॉन्ग हिंदी। आखिरकार ये कौन सी हिंदी है, कौन सी भाषा है हैफलॉन्ग? तो आपको पता रहना चाहिए कि जो हैफलॉन्ग है वो कहां पर आता है? असम में। तो बस इसी से रिलेटेड है, असम में बोली जाने वाली इस हिंदी भाषा को हैफलॉन्ग हिंदी के नाम से जाना जाता है। देन द नेक्स्ट इज योर सेक्शन 143 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। आखिरकार क्या चीज है? देखिए, जिग्नेश मवानी जी के अगेंस्ट सेक्शन 143 ऑफ IPC लगाया गया था। तो इसमें क्या बात कही गई है कि अगर कोई अनलॉफुल असेंबली हो रही है तो उसके सभी सदस्यों या किसी एक सदस्य के अगेंस्ट 6 महीने का कारावास, 6 मंथ इंप्रिजनमेंट, या फिर फाइन, या फिर दोनों ही लागू किए जाएंगे। तो दैट इज योर सेक्शन 143 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। नेक्स्ट इज योर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। क्या चीज है ये न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप? देखिए, 48 मेंबर्स इसके सदस्य देश हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इसमें क्या चीज कही जाती है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका प्रोलिफरेशन ना हो, जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं उसी उसी के बीच में रहना चाहिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उनके बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या इंडिया इसका सदस्य देश है? नहीं, इंडिया इसका सदस्य देश या मेंबर कंट्री नहीं है। इसे पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? लंदन क्लब, क्योंकि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो लंदन में हुई थी, तो वहीं से इसका नाम लंदन क्लब के नाम से पड़ गया। इसका ओरिजिन कब हुआ है? 1974 में। क्यों ओरिजिन किया गया इसका? क्योंकि इंडिया ने 1974 में अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया था, तो उसी के बिहाफ पर, उसी के अगेंस्ट न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की स्थापना की गई है। चाइना इसका सदस्य देश है लेकिन इंडिया इज नॉट अ मेंबर कंट्री। देन द नेक्स्ट इज योर ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022। कई बार UPSC रिपोर्ट्स पूछ लेता है किसने निकाली है रिपोर्ट,
और फूड क्राइसिस से संबंधित रिपोर्ट है, तो हमें पता रहना चाहिए ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, इस संस्था ने इस रिपोर्ट को निकाला है। याद रखिएगा फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO नहीं है, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, यह है इस संस्था का नाम। द नेक्स्ट इज योर रो वर्सेस वेड केस। देखिए सबसे पहली चीज आपको यह पता रहनी चाहिए ये जो मामला है वो किस देश में उठाया गया था, तो यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला था। वर्तमान समय में काफी चर्चा में रहा है स्पेशली 2022 के अंतर्गत, तो हमें पता रहना चाहिए कि यह मामला किस संबंध में था, तो अबॉर्शन रिलेटेड केस के रिलेशन में था यह चीज, रो वर्सेस वेड केस। द नेक्स्ट इज योर परशुराम थीम पार्क। कहां पर बनाया जा रहा है परशुराम थीम पार्क, तो कर्नाटका में। हमें परशुराम के बारे में भी कुछ चीजें पता रहनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी कई बार आपसे रिलीजन को आर्ट एंड कल्चर से लिंक करके क्वेश्चन पूछता है। देखिए सिक्स्थ अवतार माने जाते हैं, छठे अवतार माने जाते हैं लॉर्ड विष्णु के परशुराम, साथ ही साथ परशुराम को मालाबार, जो हमारे देश में मालाबार रीजन है उसकी स्थापना के संबंध में देखा जाता है, ठीक है, फाउंडर ऑफ द मालाबार रीजन के रूप में देखा जाता है परशुराम को। और यह भी माना जाता है कि परशुराम जो है वो एक चिरंजीवी है, यानी कि जब 10वें अवतार होंगे कल्कि, तो उनके साथ परशुराम भी वापस लौटेंगे। तो ये हिंदू रिलीजन में एक प्रकार की मान्यता है, आपको पता रहना चाहिए रिगार्डिंग परशुराम। द नेक्स्ट इज योर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। देखिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंतर्गत आपको कुछ चीजें पता रहनी चाहिए, कुछ नुआंसेस पता रहने चाहिए, क्योंकि पॉलिटी में तो आप ये चीजें पढ़ते ही हैं लेकिन कुछ माइन्यूट सी चीजें हम भूल जाते हैं, उस पे ठीक से ध्यान देना। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में देखते हैं। देखिए जो वैल्यू ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो वोट होता है, जो उसकी वैल्यू है वो कभी फिक्स नहीं की गई है, हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन एक्सेप्शन है स्टार्टिंग फ्रॉम 1977 टू 1992, ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट का वैल्यू रहता है फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, उसकी वैल्यू कब फिक्स की गई थी, 1977 से लेकर 1992 तक। देन जो वैल्यू ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, एमपी का जो वोट होता है, उसकी जो वैल्यू रहती है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, चाहे स्टेट्स के हों या चाहे वो यूनियन टेरिटरीज के हों, जो इलेक्टेड होंगे MLAs, उनके वोट के थ्रू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। ये भी आपको बात पता रहनी चाहिए कि जो कंबाइंड वैल्यू ऑफ ऑल द वोट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो रफली इक्वल किसके होते हैं, कंबाइंड वोट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ योर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए क्योंकि ये जो थर्ड पॉइंट है वो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। देन द नेक्स्ट इज कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस क्या सीक्रेट बैलेट सिस्टम पर काम करते हैं, तो यस सीक्रेट बैलेट सिस्टम पर काम करते हैं, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ये इस पद्धति का नाम है, तो आपको ये भी चीज पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट इज ओवरसाइट बॉडी कौन सी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को देखता है, और विनर कैसे डिसाइड होता है। देखिए यहां पर विनर इस तरीके से डिसाइड नहीं होगा कि किसको सबसे ज्यादा वोट मिले, विनर इस तरीके से डिसाइड होता है कि अगर एक निश्चित कोटा के आगे किसी को वोट मिल गया तो उसे प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाएगा, तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। देन द नेक्स्ट इज योर इंडो ताइवान रिलेशन। देखिए इंडिया वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड्स हमने वन चाइना पॉलिसी को पूरी तरीके से नकार दिया है, लेकिन आपको यह भी पता रहना चाहिए कि ताइवान के साथ भारत की कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, हमारे संबंध हैं, कई क्षेत्रों में हम आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक टाइस ताइवान के साथ इंडिया ने अभी तक नहीं बनाए हैं, लेकिन वन चाइना पॉलिसी पर भी इंडिया अमल नहीं करता है। देन द नेक्स्ट इज योर ब्लड मून। आखिरकार क्या कंसेप्ट है ब्लड मून, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो ब्लड मून हमें कब दिखता है, जब ल्यूनार एक्लिप्स होगा। ल्यूनार एक्लिप्स में क्या चीज होती है कि अर्थ जो होगा वो सन और मून के बीच में आ जाता है, तो ऐसे में जो सन की लाइट होती है वो अर्थ के एटमोसफियर से पास होते हुए मून पर पड़ती है, तो जब वो मून पर पड़ती है तो ऐसे में हमें मून रेड दिखने लगता है, तो ये पता रहना चाहिए व्हाट इज ब्लड मून, कि ये रेड कलर आता कहां से है? तो अर्थ के एटमोसफियर से होते हुए जब सनलाइट जाती है मून की तरफ तब वहां से हमें रेड कलर दिखता है। सुपर मून क्या होता है, सुपर मून यानी कि जो मून है जब वो अर्थ के सबसे नजदीक रहेगा और साथ ही साथ जब मून फुल मून के रूप में दिखा जाएगा, यानी कि फुल मून का कंडीशन भी होना चाहिए और साथ ही साथ वो अर्थ के सबसे नजदीक भी होना चाहिए, तो साल में कम से कम 2 से 4 बार सुपर मून की कंडीशन दिखती है। नेक्स्ट इज योर डल लेक। कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, इसे समर कैपिटल के रूप में भी देखा जाता है, जाना जाता है, साथ ही ये जबरवान वैली
वहां पर सिचुएटेड है, आपको ये पता रहना चाहिए किस वैली में सिचुएटेड है, तो सो इट इज जबरवान वैली। देन यहां पर जो पूरी की पूरी फ्लोटिंग गार्डन्स हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, राड। तो आपको ये पता रहना चाहिए राड इज व्हाट, इट इज अ फ्लोटिंग गार्डन्स। तो इसी तरीके का एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क मणिपुर में भी सिचुएटेड है, दैट इज योर लोकताक नेशनल पार्क। तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क मणिपुर में है एंड फ्लोटिंग गार्डन कहां पर है, डल लेक में, तो ये पता रहना चाहिए। और फोर बेसन्स के द्वारा डल लेक निर्मित होता है, कौन कौन सी बेसन्स है वो, नागिन, बोड़दल, गागरी बल एंड हजरत बल। तो ये आपको पता रहना चाहिए रिगार्डिंग योर डल लेक। नेक्स्ट इज योर नेटवर्क ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर, NOOC, किसके अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अंतर्गत, ताकि जो स्पेस कम्युनिकेशन होना है वो ये गवर्न करती है, वो ये बॉडी गवर्न करती है। नेक्स्ट इज योर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड रिपोर्ट, आखिर ये जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड्स रिपोर्ट है कौन सी संस्था निकालती है, सो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। देन इट इज अ पीयर रिव्यूड जर्नल, ऐसा नहीं है कि संस्था ने बस निकाल दिया है, संस्था इस चीज को रिव्यू भी कराती है, तो इट इज अ पीयर रिव्यूड जर्नल। इस हाल ही की रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि ग्लोबली 48% ऑफ द बर्ड्स स्पीशीज डिक्लाइन कर रही है और इंडिया में 80% ऑफ द बर्ड्स स्पीशीज डिक्लाइन कर रही है, तो हमें थोड़ी बहुत जानकारी भी रहनी चाहिए रिगार्डिंग द रिपोर्ट्स। देन राखीगढ़ी कहाँ पर आता है, किससे या किस पर्टिकुलर इवेंट से ये ज्यादा रिलेटेड है, तो आपको पता रहना चाहिए राखीगढ़ी इज सिचुएटेड इन हरियाणा और इट इज अ 5000 ईयर ओल्ड हड़प्पन साइट। तो हड़प्पन साइट है, हरियाणा में आता है, किस नदी या किस रिवर बेसिन में सिचुएटेड है, सरस्वती रिवर बेसिन में सिचुएटेड है एंड किसने इसे खोजा था, सो इट इज अमरेंद्र नाथ जी ने इसे खोजा था और गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने इसे टॉप 5 आइकॉनिक साइट्स में से एक के अंतर्गत शामिल किया है। देन शिगेला आखिरकार क्या चीज है, देखिए शिगेला एक बीमारी का नाम है, इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और डायरिया को लेकर आता है, ठीक है, और ये जो डिसीज है वो पेशेंट्स के वेस्ट के थ्रू आसानी से ट्रांसमिट होता है, तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग शिगेला। कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है रिगार्डिंग शिगेला, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी होती है तो एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है। देन द नेक्स्ट इज योर CAPF पुनरावास, आखिर ये क्या चीज है, ये प्रोग्राम है, स्कीम है, ताकि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के रिटायर्ड पर्सनल्स हैं उन्हें दोबारा किसी जगह पर किसी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में काम पर लगाया जा सके, उन्हें एक बेहतर रोजगार की तरफ लेकर आया जा सके, सो दैट इज योर CAPF पुनरावास। कौन सी मिनिस्ट्री लागू कर रही है, सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट इज योर मंकी पॉक्स, मंकी पॉक्स क्या चीज है, एक बीमारी का नाम है, ऑर्थोपॉक्स वायरस के द्वारा ये होता है जो मंकी पॉक्स बीमारी है, इट इज अ जूनॉटिक डिसीज, कोई वैक्सीन है, कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, अफ्रीका में सबसे पहले खोजा गया था। नेक्स्ट इज योर साइक्लोन असानी, ये जो असानी है वो किसने इसका नामकरण दिया है, तो असानी जो नाम है वो श्रीलंका के द्वारा दिया गया है, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, बे ऑफ बंगाल में आया था, 2022 में आया था, और नामकरण किस तरीके से दिया जाता है, तो देयर आर सर्टेन रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटियोरोलॉजिकल सेंटर्स, RSMCs, रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटियोरोलॉजिकल सेंटर्स, ये पूरे वर्ल्ड में 6 हैं और यही रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटियोरोलॉजिकल सेंटर्स किसी भी साइक्लोन या ट्रॉपिकल साइक्लोन का नामकरण करते हैं। द नेक्स्ट इज योर लोएस्ट वीट प्रोक्योरमेंट इन 15 ईयर्स, ये एक काफी चर्चा का विषय था कि 2022 में सबसे कम प्रोक्योरमेंट किया गया था वीट का, तो कई बार यूपीएससी मेंस के जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसे वो प्रीलिम्स में पूछ लेता है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हमें पता रहना चाहिए कि कितना प्रोक्योरमेंट हुआ था। सो 2022 में 18.5 मिलियन टन प्रोक्योर किया गया था वीट, जो कि लास्ट 15 ईयर्स में सबसे लोएस्ट था। क्या कारण थे, तो फर्स्ट इज कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो ऐसे में भारत से एक्सपोर्ट्स ज्यादा बढ़ रहे थे, दैट इज द फर्स्ट रीजन। एंड द सेकेंड रीजन इज कि हमारा प्रोडक्शन भी काफी कम हुआ था क्योंकि उस साल 2022 में मार्च के अंतर्गत जो टेम्परेचर था वो काफी स्पाइक कर गया था, तो ऐसे में जो फसल थी वो नष्ट होना शुरू हो गई थी, तो इसलिए लोएस्ट वीट प्रोक्योर हुआ था इन द पास्ट 15 ईयर्स। देन द नेक्स्ट इज योर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस,
देखिए एक टेक्निक है और यूपीएससी ने प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, व्हाट इज डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप कन्वेंशनल मेथड को देखेंगे तो उसमें सबसे पहले जो चावल के दाने होते हैं उसे नर्सरी में उगाया जाता है एंड देन वापस उसे फिर से फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन इस मेथड के अंतर्गत दैट इज योर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, यहां पर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं होती, कोई भी नर्सरी की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट सीड को सीधा फील्ड में प्लांट किया जाता है। सो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है, सेकेंड इसके एडवांटेजेस क्या है, देखिए वाटर सेविंग्स होती है, दैट इज द फर्स्ट थिंग, लेबर काफी कम चाहिए, नेक्स्ट इज कि हर्बिसाइड भी कम चाहिए रहता है और साथ ही साथ जो मिथेन एमिशन है वो भी बहुत कम होगा। तो ये सारे एडवांटेजेस थे, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी कई हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक कि जो सीड रिक्वायरमेंट है वो बहुत हाई रहती है, हाई सीड रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। सेकेंड इज योर कि जो लैंड होगा उसे आपको लेजर लेवलिंग करना पड़ेगा, सो दैट इज द कंपल्सरी थिंग इन द केस ऑफ योर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। और साथ ही साथ कई बार हर्बिसाइड्स भी अवेलेबल नहीं होता है, सो दिस इज योर डिसएडवांटेजेस रिगार्डिंग डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। देन द नेक्स्ट इज योर मार्तंड सन टेम्पल, आखिरकार कहाँ पर सिचुएटेड है, जम्मू कश्मीर में, कब बनाया गया था, 8th century में, किसने बनाया था, ललितादित्य मुक्तापिदा, ललितादित्य मुक्तापिदा जी ने इस चीज को बनाया था। 14th century में सिकंदर शाह मीर के द्वारा इसे डिस्ट्रॉय किया गया था। सो आपको मार्तंड सन टेम्पल के बारे में पता रहना चाहिए, कश्मीरी आर्किटेक्चर पर इसे बनाया गया है। द नेक्स्ट इज योर पैंटेनल वेटलैंड, पैंटेनल वेटलैंड कहां पर सिचुएटेड है, साउथ अमेरिका के अंतर्गत, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड और साथ ही साथ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लडेड ग्रासलैंड भी है। ठीक है, और कौन से रिवर इसे या इसके अंतर्गत पानी देती है, सो दैट इज योर पैराग्वे रिवर। द नेक्स्ट इज योर प्राप्ति पोर्टल, देखिए जो प्राप्ति पोर्टल है वो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनके द्वारा ये लेकर आया गया है। प्राप्ति पोर्टल के अंतर्गत क्या चीज कही गई है कि जो भी आपके जनरेटर्स होंगे और जो आपके डिस्कॉम्स होंगे उनके बीच में जो भी जिस भी प्रकार का ट्रांजैक्शंस होता है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वो ट्रांसपेरेंट रहे, सो ये प्राप्ति पोर्टल के थ्रू सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। द नेक्स्ट इज योर ऑपरेशन दूधी, आखिरकार ये क्या चीज है, कौन सी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व थी, तो असम राइफल्स इसमें इन्वॉल्व थी। 1991 में ये ऑपरेशन किया गया था, कहां पर किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर में, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि असम राइफल्स जनरली आपकी नॉर्थ ईस्ट में काम करती है, लेकिन ये ऑपरेशन उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में किया था। किसके अगेंस्ट किया था, इंसर्जेंट्स के अगेंस्ट किया था। हाल ही में हम इसकी एनिवर्सरी मना रहे थे तो इसलिए ये काफी चर्चा में था, काफी न्यूज में था। सो आई होप कि आपको आज के प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स के टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे 11th to 15th of May 2022 के टॉपिक्स। थैंक यू।